एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021। नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो कंप्लीट देखें, पूरा देखें, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25 मार्च को आने वाला था। और ये सूचना दोस्तों एसएससी के ही जब पहली बार जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें डेट दे रखी थी, एग्जाम डेट से लेकर नोटिफिकेशन ऑनलाइन डेट तक की सारी दे रखी। लेकिन बात आती है आखिर एसएससी की तरफ से 25 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया, अब कब तक नोटिस आपका जारी होगा, और इस बार जो वैकेंसी आएगी वो काफी बड़ी वैकेंसी आएगी। तो यहां पर हम पूरी डिटेल से आपको बात बताने वाले, साथ ही 2018 की जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, ताकि इस हिसाब से आप तैयारी कर सके, ताकि 2021 वाली एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या इस बार आपको एज में छूट दी जाएगी या नहीं, इसको कर भी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आगे आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चाकसू पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक अच्छी बुक लेके आए। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट के साथ में 8 आपको सोल्वड पेपर मिलेंगे, जिसमें 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 की एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो पेपर आए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही 3200+ आपको बहुविकल्पी ये पर्सन भी आपको यहां पर दिए जाएंगे। दोस्तों काफी अच्छी बुक है और ये बुक आपके सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस के हिसाब से ये बुक बनाई गई है, और साथ में आंसर की के साथ में विद सॉल्यूशन आपको ये सारी चीजें हैं ये इस बुक में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं और एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन था जो 25 मार्च को आने वाला था आखिर क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एसएससी के कैलेंडर में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 लिख के उसके आगे जो 25 मार्च डेट थी उसके आगे प्लस का निशान था, वो भी रेड अक्षर में। दोस्तों उसके नीचे जाके देखोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि टेंटेटिव, मतलब इस डेट में चेंजेज भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एसएससी का फॉर्म भरा है तो कैलेंडर में आपको जो डेट दी हुई मिलेगी उससे एक या दो दिन बाद में नोटिफिकेशन जारी होता है। तो हो सकता है दोस्तों एक या दो दिन में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन ये कंफर्म होगा कि अब जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर में एसएससी ने पहले ही डाल दिया था 25 मार्च को शाम को दिल्ली पुलिस की जो रॉ मार्क्स और उसके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के साथ में उनकी कट ऑफ फिर से बताई गई है। तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण आपका जो आपका नोटिफिकेशन वो नहीं आ पाया, लेकिन हो सकता है एक से दो दिन में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल। यहां पर आप देख लीजिएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए लगातार अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए हैं कि सर इस बार क्या एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट आएगा, जो काफी बड़ा रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी गृह मंत्रालय की तरफ से कई बार बताया गया कि आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 1,11,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है। उसके अलावा बहुत सारे जो जवान हैं जो रिटायर्ड भी जा रहे हैं, तो इन सबको देखा जाए तो ये तो हो नहीं सकता कि 1,11,000 की एक साथ वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन 75 से 80 हज़ार का लंबा और बड़ा रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है और इसकी कट ऑफ भी स्टेट वाइज जाएगी। अगर आप 2021 एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2018 की एसएससी जीडी की कट ऑफ एक बार जरूर देख ले। बिल्कुल दोस्तों, इससे आपको तैयारी करने का एक आइडिया लग जाएगा कि 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी और पेपर का लेवल क्या था, वो भी आपको इस बुक को खरीदने के बाद में पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, यूपी जैसे बड़े स्टेट है, राजस्थान की बात करें तो 81 नंबर वाले कैंडिडेट को केवल फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जबकि फाइनल कट ऑफ 87 गई थी। जबकि कुछ अलग से राज्य है जैसे साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर कट ऑफ 40-45 नंबर जिनके आए थे उनको भी एक अच्छी पोस्ट मिल गई थी। तो यह एक बड़ा कारण है कि आपकी कट ऑफ स्टेट वाइज आती है, जिसके कारण दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप कमेंट
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दे कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर आप एसएसजीडी कांस्टेबल से जुड़ी डॉक्यूमेंटेशन, एज क्रिटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो इस साइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप एसएसजीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे आने वाली एसएसजीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी हर प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।